हमारी फटफटी आ गई, ये आ गए रजुल भाई फटफटी लेके, और अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं शांति स्तूपा। तकरीबन ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा ही रास्ता होगा, तो बस निकल चुके हैं शांति स्तूपा के लिए। और आज ये मेरा पोखरा के अंदर लास्ट दिन है, कल सुबह की हमारी फ्लाइट पोखरा से काठमांडू के लिए। तो थोड़ी दूर बाद हम पहुंच गए हैं शांति स्तूप, और यहाँ से तकरीबन 15 मिनट की वॉकिंग है, सीढ़ियाँ चलनी पड़ेगी। सामने पार्किंग में गाड़ी हमने लगा दी है और बस शुरू कर रहे हैं चढ़ाई। खाना वगैरह खा के आए थे तो उसके लिए हम रुके नहीं, और स्ट्रेट वे हम चढ़ाई ही शुरू कर रहे हैं। अपनी दो रास्ते हैं यहाँ जाने के लिए, लेकिन हमने ट्रेडिशनल रास्ता ही चूज़ किया है। रास्ते में दुकानें वगैरह सब कुछ मिल जाएगी, खाने पीने की, कोल्ड ड्रिंक, स्नैक्स, सुवीनियर। ये है सामने गेट, इस गेट से ऊपर होके हमें जाना है। यहाँ कंपल्सरी डोनेशन आपको देना है, लिखा हुआ ऑप्शनल है लेकिन यहाँ कंपल्सरी ही कर दिया अभी, और यहाँ अभी मोबाइल वगैरह अलाउ नहीं है। हालांकि ऊपर जाके आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, सामने कॉफ़ी बहुत अच्छी मिलती है यहाँ पे। तो चलो ये देखिए सामने, यार धूप इतनी तेज़ थी ना कि आँखें निकल पा रही थी, लेकिन क्या सही नज़ारा है। शांति स्तूपा पहुंच गए, तो ये है शांति स्तूपा। यहाँ अभी लोगों का जमावड़ा नहीं है, कुछ एक लोग मिले हमें, तो धूप बहुत तेज़ हो गई थी, और जो भी मिले देखो अपने अपने रील बनाने में मशरूफ़ है सारे। कूल लोग हैं यार, कोई किसी से मतलब नहीं, अपने अपने ज़िंदगी में मस्त रहते हैं ये लोग। बस अब शांति स्तूपा देख लिया, वापस जाने लग रहे हैं। अब बहुत यार भूख लग गई, तो सबसे पहले तो कुछ अब खाएंगे, यहाँ से निकलेंगे और कोई ढंग का रेस्टोरेंट होगा वहाँ जाके पेट पूजा करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ लेक साइड एक जगह है, वहाँ लेकर चलेंगे। लास्ट डे है आज मेरा पोखरा के अंदर, तो चलो चलते हैं और करते हैं पेट पूजा, फिर काम दूजा। तो बस हम पहुँच गए कुछ खाने वाने के लिए, और तो हमें कुछ मिला नहीं, तो पास में ही KFC था तो KFC आ चुके हैं, और यहाँ से कुछ खाकर चलते हैं लैंडिंग साइड। वहाँ कुछ अच्छे स्पॉट्स हैं जहाँ हम लोग कवर करेंगे। तो बस मैगडी से निकल कर हम लोग पहुँच गए यहाँ लैंडिंग जोन, और बस अब शाम को तकरीबन 6 बजे हैं, सब कुछ यहाँ बंद होने लग जाता है इस टाइम। यहाँ से बस अब थोड़ा घूम घाम के निकलेंगे घर की ओर। सामने ही देखो, एक सामने ये नदी दिख रही है ना, बस वहाँ जाके साइड में बैठेंगे, और साथ में हम कोल्ड ड्रिंक्स और वो पीनट्स लाए हैं, तो बैठ के खाएंगे थोड़ी देर, फिर कल रवानगी है। यहाँ पता ही नहीं चला नेपाल
में 7-8 दिन कैसे निकल गए। और रुजुल भाई ने इतना अच्छा घुमाया और इतना मतलब सपोर्ट किया ना, तो क्या कहें उसका भाई। ये है सामने ब्रिज, ये रुजुल भाई हमारे डरते डरते चले जा रहे हैं, दो बलियों पर टिका हुआ है ये पूरा। और जब चर चर की आवाज़ आती है ना, तो आपके अंदर से आत्मा बोलती है भाई गया भाई गया। स्विमिंग दोनों को नहीं आती है मैं, लेकिन चले जा रहे हैं बस। बस ये एक ही रास्ता है ना, आपको अगर उस साइड जाना है ना, तो ये आपको ब्रिज क्रॉस करना ही पड़ेगा। और इसका भी एक ना एक अलग से एडवेंचर है, मतलब मज़ा आया। मतलब ये काफ़ी लंबा है, लगभग होगा 200-300 मीटर का, तो एक अच्छा थ्रिल है। और पूरा ये ब्रिज चू 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 करता है, तो और मज़ा आता है। लगभग पहुंच गए हम नदी के मिड में, रुजुल भाई बहुत संभल संभल कर आगे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ गलती की गुंजाइश नहीं भाई। ये पुलिया पार करके आए, बैम्बू पुलिया, और पूरा पुलिया क्या ऐसा डांस करता है ना। बैम्बू के टूटे हुए रास्ते में, बाकी क्यों कैसा रहा रुजुल भाई? बढ़िया रहा बैम्बू डांस। ये रुजुल भाई का हिडन डिस्कवर है, तो लोकल कितना कंफर्टेबल आ रहे हैं। हम लोग डांस करते करते आ रहे थे, ये सब लोकल होंगे क्या? तो ये है आपके पोखरा का लैंडिंग जोन, रुजुल भाई लैंड करके आए अभी। तो क्या पीछे ब्यूटीफुल सनसेट, डिफिकल्टी है नहीं, लेवल 0.1 ये खेत है शायद। हाँ, एक गन्ने बने का क्या खेत? गन्ने नहीं है, कुछ घास का है। तो फिर से ये पूरा पार करना है, चलो करते हैं। रुजुल भाई डरना मत, क्या कह रहे हो? मेघालय गया ही नहीं मैं। नहीं लेकिन अब उतना डर नहीं लग रहा जितना पहले लग रहा था ना। देना चाहिए, बनता है आपका तो ऑस्कर दे दे आपको, ऑस्कर क्या आपको, फिल्म फेयर सब बनता है आपको। तो पुल भी पार कर लिया, लैंडिंग जोन भी देख लिया, मुझे भी मार लिए। शाम के बज गए 6 और बस वापस जा रहे हैं होटल। कल सुबह की फ्लाइट है 10 बजे की, जो स्कूटी ली थी वापस देनी है, होटल खाली करना है, पैकिंग करनी है, बहुत सारे काम हैं जो यार अभी बाकी पड़े हैं। तो
तो आज था पोखरा मेरा दिन चौथा और लास्ट दिन कह लो, कल तो काठमांडू पहुँच जाना है, परसों वापस दिल्ली और फिर बीकानेर। तो ये था अपना पोखरा का ट्रैवल ब्लॉग पायलॉग। वीडियो देखते हो तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार, लाइक सब्सक्राइब भी किया करो पायलॉग। वीडियो देखते हो तो सब्सक्राइब लाइक और शेयर भी कर दिया करो। व्यूज तो आते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं होते, ध्यान रखो थोड़ा सा यार। देखिए क्या मस्त वाला सनसेट हो रहा है, चलते हैं बस। आज खाना खाएंगे, आज खाना खाएंगे अन्नपूर्णा फूड कैंप में, साउथ इंडियन खाना, डोसा तो खाए रहते हैं दिन से। ये है फागी लेक, पूरी फागी लेक है ये। अभी सनसेट हो रहा है, टाइम हो रहा है तकरीबन 5:30 बजे। देखिए क्या ऑसम सनसेट है, मुझे छोटा सा एक पेड़ छोड़ पार करना है। है ना यार मस्त जगह, यहाँ ऑलमोस्ट लोकल ही आते हैं क्योंकि फॉरनर्स को पता ही नहीं होता। बाकी जो फॉरनर्स आते हैं यहाँ अपने पैराग्लाइडिंग और दारू पीने में बीच होते हैं बेचारे। एक्चुअली लैंडिंग जोन है यहाँ का, बस रुजुल भाई लेने गए हैं अपनी फटफटी, बस फिर चलते हैं और आपको खिलाते हैं साउथ इंडियन थाली। ये था हमारे होटल के पास में रेस्टोरेंट अन्नपूर्णा, ये जहाँ हमने डोसा खाया था ना सरदार के यहाँ पे, उन्हीं का उसी के ऊपर बना हुआ है। हम आज पहली बार ही आए हैं यहाँ पे, इंटीरियर वाइज तो बहुत मस्त लग रहा है और भूख भी बहुत लगी है, काफ़ी दिन हो गया प्रॉपर खाना खाए हुए, तो सोचा है आज खाना प्रॉपर खाते हैं। हमने दो अलग अलग थाली ली है और बोला है कि थोड़ा प्रिपरेशन टाइम लगेगा ना बैठो। तो ये देखो बाहर का नज़ारा, लोग वेट कर रहे हैं अपने अपने थालियों का, और मतलब पेट में ना ऐसे चूहे कूद रहे हैं ना, क्योंकि दोपहर में कचरपट्टी खाया था वो केएफसी वगैरह का, लोग क्या जब तक प्रॉपर खाना ना मिले ना उससे कुछ जल्दी में कमी सी रखी रहती है, जब तक पेट में रोटी ना जाए ना चैन नहीं आता। इसी का वेट कर रहा हूँ कि कल से खाना खा लें, जल्दी सोना है, सुबह उठ के निकलना भी है। तो लिया भाई लिया भाई, इंटीरियर वगैरह देखा थे और अब ठंडी हो गया अच्छा खासा, तो बस तो भाई आ गई फाइनली मेरी थाली। टैटन है बड़ा सही है यार, मैंने मंगाया था साउथ इंडियन थाली और रुजुल भाई की है इंडियन थाली, बहुत आइटम है यार और टेस्टी है। क्यों दिख रहा है भाई? सही सही, अब शुरू हो गई रवानगी हमारी होती है। रात को मस्त सो गए थे और सुबह जल्दी पहुंच चुके हैं और सिटी बस से हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट, होटल से चेकआउट कर दिया। लगभग 1 किलोमीटर का ही दूरी है हमारे होटल से एयरपोर्ट का, लेकिन लगेज कुछ ज़्यादा था तो हम लोगों ने बस ले ली, नहीं तो हम पैदल जाने वाले थे। पोखरा बहुत सुंदर है और स्पेशली जो लेक साइड का एरिया है ना बहुत सुंदर है यार। हम लोग पहुंच गए एयरपोर्ट,
और यहाँ हम लोग वेट कर रहे हैं अपनी फ्लाइट का। तो फाइनली नेपाल की सीरीज भी यहाँ हुई ख़त्म। कल मेरी काठमांडू से दिल्ली की फ़्लाइट है, तो आज पहुँच कर रेस्ट करेंगे और कल रवाना होंगे। ये छोटा सा क्राफ्ट, पहाड़ों में ना क्राफ्ट छोटे होते हैं, ज़्यादा बड़े वगैरह नहीं होते, शायद इनको रहने तो नहीं मिल पाता होगा। तो छोटे छोटे क्राफ्ट हैं। सेम जब मैं बीर गया था मैक्लोडगंज, वहाँ भी छोटा सा पहाड़ था, और सेम ऐसे जब मैं इथोपिया के अंदर उतरा था, वहाँ पे अब्राहम के पास गया था, तो भी वहाँ जो क्राफ्ट था बहुत छोटा था। तो पहाड़ों में क्राफ्ट बहुत छोटे होते हैं। तो बस यही करते हैं नेपाल की सीरीज को ख़त्म। कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, और अगर कुछ हो तो कमेंट में डाल देना, उसका रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा। चलिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए।